बाल ब्रह्मचारी, यशस्वी तपस्वी, कुश्ती के खुदा, कुश्ती के भगवान, संत गुरु हनुमान ने भारतीय कुश्ती को क्या नहीं दिया। 18 अर्जुन अवार्डी, 2 भीम अवार्डी, अनेकों भारत केसरी, हिंद केसरी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान देश को दिए। गुरु हनुमान ने हमेशा अपने खिलाड़ियों को धर्म निरपेक्षता, जाति निरपेक्षता की शिक्षा दी। देश की आजादी के समय वे जेल भी गए। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कई बार गुरुजी हनुमान के पास आया करते थे और आजादी के विषय पर विस्तार से चर्चा किया करते। देश की आजादी के बाद गुरु हनुमान सिर्फ कुश्ती के होकर रह गए। गुरु हनुमान के चाहने वाले भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में थे। फ्रांस, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने गुरु हनुमान को अपने यहाँ बुलाकर के सम्मानित किया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी गुरु हनुमान का जलवा था। वहां तो अनेक बार गुरुजी हनुमान को विभिन्न प्रोग्रामों में बुलाया जाया करता था। गुरु हनुमान त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमेशा सारा जीवन दूसरों के कल्याण में लगा दिया था, लेकिन उसके बदले हमारी सरकारें और हम 125 करोड़ लोग गुरु हनुमान को एक संग्रहालय तक ना दे पाए। यह शर्म से डूब मरने वाली बात है। गुरु हनुमान अखाड़े में गुरुजी हनुमान से जुड़ी बहुत सी चीजें रखी हुई है, जो रख रखाव उचित तरीके से न होने पर खराब हो रही है। क्या हम 125 करोड़ लोग और भारत की सरकारें, केंद्र हो या राज्य, बात सबकी हो रही है। आखिर आज तक क्यों गुरु हनुमान से जुड़ी वस्तुओं को संग्रहालय में स्थापित नहीं कर पाए? शायद हम लोगों की औकात ही नहीं है कि हम लोग गुरु हनुमान के लिए संग्रहालय स्थापित कर पाते। गुरुजी के असंख्य बलशाली शिष्य भी इस विषय पर कुछ न कर पाए। गुरु हनुमान ने अकेले ने कितने लोगों के लिए न जाने कितना कुछ किया, लेकिन हम लोग इतने सारे संख्या बल में होने के बाद भी अकेले एक गुरु हनुमान के लिए संग्रहालय तक की स्थापना न कर पाए। ये सोचने का विषय है, शर्मसार होने का विषय है। गुरु हनुमान को गुरु हनुमान अखाड़े की जगह बहुत पसंद थी। उसी जगह पर एक संग्रहालय स्थापित होना चाहिए, जिसमें गुरु हनुमान से जुड़ी सभी चीजें अच्छी प्रकार से संजो कर रखी जाए, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां और हमारी नस्लें देख करके प्रेरणा ले सके। इस विषय पर गुरुजी हनुमान के किसी बड़े नामवर शिष्य को आगे आकर पहल करनी चाहिए। कारवां अपने आप बन जाएगा, बस जरूरत एक पहल की है। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार भी इस कार्य को पूर्ण कर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है, क्योंकि गुरुजी हनुमान तो हर जाति हर मजहब के थे। उनके लिए सब बराबर थे, किसी के लिए भेदभाव की उनके मन में कोई जगह नहीं थी। वे तो हमेशा प्यार बांटने के लिए जाने जाते थे, दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते थे।